A1 इंटीरियर्स आपके घर को बनाए खूबसूरत। इंटीरियर रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड करता है A1 इंटीरियर, जैसे मॉड्यूलर किचन से लेके फर्नीचर, फॉल सीलिंग, पेंटिंग, सिविल एंड टाइलिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क और कई अन्य सर्विसेज, वो भी बेहतरीन मटेरियल क्वालिटी के साथ बहुत ही रीजनेबल रेट्स में। तो अपने घर के इंटीरियर वर्क के लिए अभी कॉन्टेक्ट करें A1 इंटीरियर को। A1 कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, बिहाइंड द यूनिवर्स, नियर कालसेकर कॉलेज, मुंबरा। क्या विधायक जितेंद्र आव्हाड पर होने वाला था जानलेवा हमला? एक्स तथा ट्विटर पर शिकायत के बाद क्या बोले विधायक आव्हाड? मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तान रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 फरवरी को मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक थी। इसी बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करने पहुंचे थे इंडिया अलायंस के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नियुक्त प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन कलमा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड। पूर्व मंत्री तथा विधायक जितेंद्र आव्हाड का अब ये कहना है, जिसका उन्होंने 2 फरवरी को ही ट्वीट भी किया है, कि पत्रकार परिषद के दौरान जो है कुछ 2 लोग आए थे, कैमरामैन के पीछे खड़े थे और किसी से वीडियो कॉलिंग पर बात करके कह रहे थे कि अभी हमला करें, अभी अटैक करें, और लोग मराठी में बात कर रहे थे। इस पूरे मामले की एक्स तथा ट्विटर पर विधायक जितेंद्र आव्हाड ने शिकायत कर पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की है, और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या जानकारी दी है, सुनिए। मैं आज वहां विकास आघाड़ी की बैठक के लिए ट्राइडेंट में गया हुआ था। बैठक खत्म होते ही मैं नीचे आया, पत्रकारों को संबोधित कर रहा था। फिर बाद में, मेरी आदत है, मैं पत्रकारों से गपशप करता हूँ, सब अपनी दोस्ती आ रही है। तो उतने में से एक लड़की आई, वहाँ पे पत्रकार ही थी बेचारी, वो मेरे को बोली बाय। तो मेरे को लगा, ये मेरे को बाय क्यों बोल रही है? तो बोली जाओ कि पुलिस से बात करो। तो मैं आके गाड़ी में बैठ गया और मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ चले गया। तो गाड़ी में मुझे कुछ बातें पता चली, उसमें से एक ये था कि मैं जब पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहा था, तब एक पत्रकार के पीछे 2 लड़के और एक लड़का, यानी 2 लड़के उसके पीछे खड़े थे और एक लड़का था, ये किसी से वीडियो पे बात कर रहे थे, अभी अटैक करे क्या। वो सुन के उसने मेरे पीए को फोन लगाया। मेरे पीए ने जैसे ही मालूम पड़ा वैसे जरा हलचल की, तो उतने में वो दोनों भाग गए, और तीसरा जो था वो भागते भागते लिफ्ट के तरफ गया, और बच्चों ने देखा कि उसने 19वां बटन दबाया और 19वें मंजिल पे चला गया। बच्चे ने भी डर के मुझे बताया नहीं सब कुछ, पर बाद में जब मैं सबको इकट्ठा किया तब उन्होंने मेरे को ये कहानी बताई। और तकदीर अच्छी है कि वो दोनों के फोटोग्राफ कैद हो गए, दोनों को सभी ने पहचान लिया है, खास करके जिस पत्रकार के पीछे वो खड़े हैं वो पत्रकार ने ही पहचान लिया है। अगर पुलिस चाहेगी तो पूरा मामला सामने आएगा, क्योंकि वो इस एरिया ही सेंसिटिव है और हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो कौन क्या है सब बिल्कुल पता चलेगा। और दोनों मराठी में बात कर रहे थे और तो मुझे कुछ मालूमत नहीं, लेकिन दोनों को फोटो मिल गए। अगर ट्राइडेंट में गया होगा तो ट्राइडेंट के कैमरा में भी कैद होंगे, और आजू बाजू में भी सब कैमरे ही लगे हुए हैं, ट्राइडेंट के सामने कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ इंडियन एक्सप्रेस की पुरानी बिल्डिंग है। पुलिस ट्वीट किया है, उस ट्वीट को ही कंप्लेंट अगर पुलिस समझ ले तो अच्छी कार्रवाई हो सकती है, बाकी ठीक है, आदत सी हो गई अब इन खतरों से खेलने की। We'll be right back.